हेलो एंड वेलकम टू द कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक मैथमेटिशियन के बारे में, मैथमेटिकल फिजिसिस्ट के बारे में और एक बेहतरीन इंजीनियर के बारे में। द नेम इज विलियम थॉमसन। इन्हें कुछ और नामों से जाना जाता है, जैसे कि लॉर्ड केल्विन, फर्स्ट ब्राउन केल्विन, केल्विन वगैरह वगैरह। तो इनकी 83 ईयर की जर्नी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और आज हम लोग फर्स्ट सेगमेंट पे बात करने वाले हैं, यानी कि जो इनकी बचपन रही है उस पे हम लोग फोकस करने वाले हैं और वहाँ से जो कुछ भी सीखना होगा वो हम लोग सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू से ही शुरू करेंगे और बचपन को ठीक से देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। बात है 1817 की। मार्गेट गार्डनर और जेम्स थॉमसन दोनों आपस में शादी करते हैं और इनसे जो है 6 बच्चे होते हैं, 4 लड़का और 2 लड़की। 4 लड़का में हमारा एक नायक है विलियम थॉमसन और उनका एक भाई है बड़ा जेम्स थॉमसन और कुछ नाम है जो मुझे मेंशन नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका कोई काम है नहीं। तो हमारा नायक का जन्म होता है 26 जून 1824 को बेलफास्ट में। बेलफास्ट एक लार्जेस्ट सिटी है नॉर्दर्न आयरलैंड की। तो इनकी जन्म जो है 1824 में हुई थी और मां 6 साल के जब ये थे, यानी कि 1830 में इनकी माता जी की मृत्यु हो जाती है जब ये मां 6 वर्ष के होते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई भी बच्चा जो सिर्फ 6 साल का है, उनकी माता जी की मृत्यु हो जाती किसी कारणवश, तो उस बच्चा पे कैसा असर पड़ा होगा, उस बच्चा का पालन पोषण किस तरह से किया जाता होगा। उसके बावजूद भी उनकी जो एकेडमिक करियर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी एक मैथमेटिक्स के टीचर थे। विलियम थॉमसन और उनका बड़ा भाई जेम्स थॉमसन दोनों पढ़ते थे अपने फादर से अपने घर पे ही, और उनका जो दो और भाई था वो अपनी बड़ी सिस्टर से, दो बड़ी सिस्टर से पढ़ते थे घर पे। जब मैं इनका बायोग्राफी पढ़ रहा था तो मुझे सबसे हैरान करने वाली बात ये लगी कि जब मैं नाम देखता हूँ जो नेम की गई है उनकी फैमिली में सबकी, तो वो हर दो में से एक जन जो है वो जेम्स थॉमसन होते हैं। आप गौर कीजिएगा, फादर का नाम भी जेम्स थॉमसन है, विलियम थॉमसन के फादर का नाम भी जेम्स थॉमसन है, उनका बड़ा भाई का भी नाम जेम्स थॉमसन है और उनका जो दादाजी का पिताजी है उनका नाम भी जेम्स थॉमसन है। तो ये जो है थोड़ी हैरानी करने वाली बात है। तो जब भी मैं मेंशन करूंगा जेम्स थॉमसन नाम से तो मैं इंडिकेट कर दूंगा कि मैं किनका बात कर रहा हूँ, कि फादर का बात कर रहा हूँ कि ब्रदर का बात कर रहा हूँ, ये आप मैं वहाँ पर मेंशन कर दूंगा। तो जैसा कि हमने कहा कि विलियम थॉमसन के जो फादर है जेम्स थॉमसन वो एक मैथमेटिक्स के टीचर है, ठीक, लेकिन 1830 में जो है वो प्रोफेसर बन जाते हैं मैथमेटिक्स के ग्लेसरो में, और उसके बाद जो है 1 साल बाद वहाँ पे उनकी जो फैमिली रहती है वो सबको वहीं पे शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पे वो खुद प्रोफेसर रहते हैं। अभी जो हमारा नायक है वो केवल 8 साल के हैं और 9 साल में उनको पता चलता है कि उन्हें जो है हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। हार्ट में प्रॉब्लम होने के कारण जो है वो लगभग डेड हो जाते हैं। उनकी जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी सीरियसली हो जाती है और वो नियरली डेड हो जाते हैं। जब ये महज 10-12 साल के होते हैं तभी से इनकी रुचि हो जाती है नेचुरल साइंस में और क्लासिक्स में। जब ये स्कूलिंग लाइफ में होते हैं महज 12 साल की उम्र में, तो ये एक बुक को ट्रांसलेट करता है लेटिन टू इंग्लिश। जब कोई भी बुक को आप ट्रांसलेट करते हो, मान लो कि इन्होंने लेटिन टू इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक 12 साल का बच्चा जो लेटिन की कितनी नॉलेज रखते हैं, लेटिन लैंग्वेज की कितनी नॉलेज रखते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज का भी कितना नॉलेज रखता है। कोई भी जो बुक है उसको हम लोग को ट्रांसलेट करना होता है तो अभी तो खैर गूगल पे कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम पे जब गूगल था ही नहीं और इन्होंने अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपनी विवेक से जो है वो लुसियन ऑफ समोस्ता नाम का एक बुक था उनको उन्होंने ट्रांसलेट किया था जब ये महज 12 वर्ष के थे। जब ये महज 15 साल के होते हैं 1839 और 1840 के बीच में, मिड में, तो उस टाइम पे एक एसेज लिखते हैं फिगर ऑफ अर्थ करके और उसके लिए जो है स्कूल से इन्हें प्राइज से सम्मानित किया जाता है। तो यही बचपन की स्कूलिंग जर्नी है विलियम थॉमसन जी का। और नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग देखने वाले हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी की जर्नी कैसी रहती है। कैम्ब्रिज एक नाम है जिससे वो कैसे प्रभावित होते हैं, किस टाइप से वहाँ की वातावरण में वो इन्वॉल्व होते हैं, सारा चीज़ को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेगमेंट में।
तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर ऐसा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए फिजिक्स और देखते रहिए द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।